नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और कल मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए शाम को आए थे, ट्रीटमेंट करके चले गए थे। और मैं सबसे पहले आपको इसकी हालत दिखाती हूँ कैसी है, ये देखिए। तो पहले हमने वहाँ रखा हुआ था, वहाँ पे मक्खियाँ बहुत आ रही थी, तो अब हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। और ऊपर यहाँ पर पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर मक्खियाँ कम लग रही हैं और काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई है इसके। शायद दवाई अंदर तक डाली थी, उससे हो रहा है। राजा, राजा दिखाओ, राजा। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कितने दिन में रिकवर होता है। लेकिन इसका मुंह पूरा सूज गया है, तो इसका जो घाव है मैं वो आपको दिखा नहीं सकती, कुछ लोगों को सेंसिटिव लगेगा। और जब इधर को मुंह करता है तभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो इसकी एंटीबायोटिक दवा चलनी है उन्होंने लिख के दी थी, वो हमें लेके जाना है। थोड़ा सा कुछ काम है, घर का राशन वगैरह लाना है, तो वो हम लेने जा रहे हैं इसके लिए। राजा, ओए, तो हम बाजार की तरफ निकल पड़े। और इसको देखना, ये देखो, पहले लटकना है इसको। बैठो, चलो आराम से बैठो, चलो ऐसे, ठीक है, यस, बैठे रहना। लड्डू भाई हैं। अब बारिश का भी मौसम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं और बारिश आ जाए। आज काफ़ी दिनों बाद ना घर से निकल के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मौसम इतना प्यारा है ना, बस बारिश ना हो। और हम दोनों होते ना तो बारिश की कोई टेंशन नहीं रहती। अभी फेरिया भी है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है बारिश में, कहीं इसको बारिश ना लग जाए। पिछली बार बारिश में ही ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले बारिश में भीगी, फिर घर में आई, घर में इसको हवा वगैरह लगी, हमने एसी चलाया था, तो फिर तबीयत ख़राब हो गई। थोड़ा डर लगता है, वैसे मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। दोस्तों ने उसके ट्रीटमेंट के लिए दवा ले ली है, ये देखिए, ये सिफ्लेक्सिन टैबलेट और 300, और ये स्प्रे लिया है ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे, तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों लेने तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई है ना, और अब साथ में फेरिया भी है। जिस बात का डर था ना वही हुआ, लेकिन जो मेन काम था डॉग की दवाई लेनी थी राजा की, वो तो मिल ही गई है, तो ये सबसे अच्छी बात हुई है। तो बारिश बहुत तेज लग रही है। हम घर पहुंच चुके हैं, शुक्र है बहुत तेज नहीं आई, लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी। और अब इसको दवाई वगैरह देंगे। एक चीज और दिखाऊं, लड्डू बिचारी बैठी है, जब भी बारिश होती थी तो हम इसे अंदर ले लेते थे, अब मजबूर है इसकी वजह से अंदर नहीं ले सकते, नहीं तो दोनों लड़ पड़ेंगे। लड्डू जाओ, बच्चे जाओ, नीचे चले जाओ, जाओ जाओ नीचे जाओ, भीग जाओगे, चलो जाओ जाओ। अब क्या कर सकते हूँ, वो तो ठीक ठाक है, अब इसकी हालत ज़्यादा बेकार है। दोस्तों ये ना रोटी खा रहा, ना बिस्किट खा रहा, पहले बिस्किट खा लेता था तो अब वो भी नहीं खा रहा, दही भी दिया, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है वहाँ पे। और ना तब मैं इसके लिए पेडिग्री लेके आई हूँ, शायद ये खाता हो, पता नहीं क्या खाता था, कुछ पता नहीं है ना इसके बारे में, अभी मेरे से फट गई है। ओ तो ये देख के देखते हैं, पहले कम दे होगा। बाल्टी वही होगी किचन में, देखना। तो ये ना देख रहे हो आप बारिश कितना, मतलब मौसम खराब है। खाली खाली कोई बॉय नहीं है, पीछे रखी पापा, पीछे पीछे जहाँ मशीन रखी ना। अच्छा ले, खा लेगा वहाँ रख दे थोड़ी देर। नहीं खा रहा है। देखो एकदम हमारे सामने थोड़ा वो कर रहा हूँ ना, इधर इधर नहीं, वो इधर लास्ट। हाँ आ जा, आ जा, आ जा, खा ले, इधर आओ, इधर चलो, आओ इधर आओ, आ जा, आ जा बच्चे, आ जा। तो मौसम देखिए, बारिश इतनी तेज हो रही है ना, पहले तो सोचा ये लड्डू चला जाएगा, लेकिन ये बारिश में भीगता ही रहा, उसे पता है ना कि ले लेते हैं मेरे को, तो अब क्या करते हैं। फिर इसको चैन में इधर बांध दिया, उसको उधर बांध दिया है, बिना चैन के तो दिक्कत हो सकती थी, अब कम से कम भीगेगा तो नहीं। अब उसको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, वो भी बहुत प्यार करता है हमसे। तो दोस्तों अभी ना मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी तेज़ आवाज़ लगाई ना, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो अब देखना, ये मुझे दिखा रहे थे, और हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे जब से हमें मिला है कि ये फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाने दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये मतलब काटता है या हर बात में, इसलिए ना छोड़ा हो,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इसे प्यार की कितनी ज़रूरत है। और इतनी खुशी शायद मुझे कभी नहीं हुई है जीवन में जितनी मुझे आज हो रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना हीरो, देखिए मतलब कितना प्यार का भूखा है ये। तो आज ना जो भी मैं कर रही हूँ तो मेरी मेहनत कुछ हद तक सफल हो गई है, बस अब ये ठीक हो जाए किसी भी तरीके से। ये देखिए, देखो आप पास से बचा, ये देखिए बेटा, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, बस क्या बताऊं। हाँ क्या, अभी मत देना दवाई, नहीं तो अभी पता है अभी इसको दवाई, ये कह रहे कि वो स्प्रे लाए हैं ना कि वो लगा देते हैं। मैंने कहा अभी मत देना दवाई, नहीं तो इतना मुश्किल से वो हमारे पास आया है, फिर से वो बस चला जाएगा। तो राजा पे की गई मेहनत हमारी थोड़ी थोड़ी काम आ रही है, सफल हो रही है। मम्मी क्या खाओगी? कड़ी चावल रोटी। कड़ी चावल रोटी, कड़ी तो बना दी। और क्या? बस यही। और ठीक है आप पैर पार्टी। तो ना मैंने आज मम्मी की पसंद की कड़ी बनाई है, अभी पकने में तो कम से कम इसे 1 घंटा लगेगा। और पकौड़ी तो ये बनाई है मैंने, लास्ट में ही डालूंगी, इधर चावल रख दिए हैं। हमने खाना खाने के बाद इसको खाने के लिए भी बहुत कुछ रखा, कुछ भी नहीं खा रहा है। मैंने सोचा क्या पता जहाँ से आया है वो घर में दाल चावल देते हों, जो हमने बनाया था वो भी देते हों, तो वो भी दे के देख लिया, पेडिग्री भी देख के देख लिया, दूध रखा है दूध दे के भी देख लिया, आज तो कुछ भी नहीं खा रहा है वो। और जो मैं स्प्रे लाई थी वो डी मैक, उसका स्प्रे भी कराया मैंने, अब देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होता है। और दवाई कैसे दूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि इसको लेके जाना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल। और वैसे तो ये खा नहीं रहा है तो इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे एंटीबायोटिक। खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज गार्डन वाला वीडियो बनाती हूँ, बहुत दिन से नहीं बनाया है और बहुत ज़रूरी ज़रूरी टॉपिक मैंने सोचे हुए थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते, लेकिन फिर भी नहीं बना पाई। बारिश स्टार्ट हो गई, फिर मैंने जो ब्लॉग बना रही हूँ उसको मैंने कहा थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा काम होता है तो एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। रात के मुझे 12 बज जाते हैं एडिट करते करते, और मैं 12:30 बजे के बाद ही सो पाती हूँ। तो आजकल ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और पीछे वाला जो हमारा खेत है छोटा सा, उसको भी नहीं देखा, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको मैं कल देखूँगी। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, राजा देखिए अभी काफ़ी हद तक हम पे ट्रस्ट करने लग गया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुँह काफ़ी सूजा हुआ है, तो शायद दवाइयों के कारण सूजा हुआ है, और इसको ऐसे अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते ना इसके थोड़े थोड़े ये जो टिक हो रहे थे वो भी निकाल लिए, देखिए ब्लड निकल रहा है और कैसे खाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करते करते इसका ऐसे निकाल लेते हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है इसको ऐसे करते, बहुत अच्छा लगता है। तो मुँह सूज गया है इसका, और दवाई ये खा नहीं रहा है, जो एंटीबायोटिक है और जो कैसे खिलाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कल देखते हैं, फिर डॉक्टर से बात करेंगे, अब फिर से बुलाना पड़ेगा या फिर इसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। आई होप क्या, आप बस यही प्रे करें कि ये जो राजा है ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।